आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खतरा मोल लेते हैं, बावजूद इसके ये अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं, हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का कृतज्ञ है। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं। सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए। साथियों, संकट के इस समय में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारी आवश्यक सेवाओं पर, हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को, हमारे डॉक्टरों को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को इस महामारी के लिए प्राथमिकता देने की सुविधा बने। और इसलिए मेरा सभी देशवासियों से आग्रह यह भी है कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए, जितना बच सके बचना चाहिए। आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाले डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिश्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर, फोन पर ही उनसे आवश्यक सलाह ले ले। अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी, जो बहुत आवश्यक ना हो, ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें, 1 महीना बाद की तारीख ले लें। साथियों, इस वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, भारत सरकार के वित्त मंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार ने एक COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स
इसके गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्क में रहते हुए, फीडबैक लेते हुए, हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी। ये टास्क फोर्स ये भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं, उन पर प्रभावी रूप से अमल हो। निश्चित तौर पर ये महामारी ने देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुंचा दी है। संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ फैसला ले। हमेशा याद रखिएगा, उन्हें भी अपना परिवार चलाना है, अपने परिवार को बीमारी से बचाना है। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा, इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। पैनिक बाइंग ये कतई ठीक नहीं है, उसको न करें। साथियों, पिछले दो महीनों में 130 करोड़ भारतीयों ने, देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देशवासियों ने अपना संकट माना है। भारत के लिए, समाज के लिए, देशवासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देशवासी अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे। हां, मैं मानता हूं कि ऐसे समय में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, आशंकाओं और अफवाहों का वातावरण भी पैदा होता है। कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती, फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है, एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में सारे देशवासियों को इन दिक्कतों के बीच दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिनाइयों का मुकाबला करने की भी आवश्यकता है। साथियों, हमें अभी अपना सारा सामर्थ्य खुद को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए ही प्राथमिकता देनी है। आज देश में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, स्थानीय निकाय हो, पंचायतें हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सिविल सोसाइटी, हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है। आपको भी
अपना पूरा योगदान देना है। यह आवश्यक है कि वैश्विक महामारी के इस वातावरण में मानव जाति विजयी हो, भारत विजयी हो। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन में नवरात्रि का पर्व आ रहा है। ये शक्ति उपासना का पर्व है। भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आवश्यक संयम का पालन करते हुए आओ, हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्फ्यू के लिए, मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।